जहां पूरे देश भर में कोरोना अपने आप में विकराल रूप धारण करते जा रहा है, वहीं पर मेवात वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि मेवात में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है, क्योंकि अभी 1 लाख परिवारों की जांच की गई, जिनमें से सिर्फ 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि जिले में 396 स्वास्थ्य में लोगों की घर घर जाकर जांच कर रही है। अब तक 1,65,345 परिवारों में 10 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़कटा ने बताया कि इन 10 लाख लोगों में से टीम ने 5,053 लोगों को हेडक्वार्टर टीम के पास भेजा, जिनकी कोरोना वायरस जांच होनी थी। बता दें कि इन लोगों में 4,443 लोगों की रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच की गई। वे 693 लोगों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया, जिसमें केवल 12 लोग ही कोरोना से संक्रमित मिले, जिनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण की दर को कम करने के लिए जिले के लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का ही परिणाम है। सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण जिले में संक्रमण की दर कम हुई है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं, अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें, खांसी या बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर काम कर रही टीम सभी की स्क्रीनिंग कर रही है, और जिस भी व्यक्ति में कोरोना के सिम्टम नजर आते हैं, उनको हेडक्वार्टर टीम के पास भेजा जा रहा है। ग्राम स्तर की टीम में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एक पंच या सरपंच और एक BLO तैनात किया गया है, जिससे हर घर को चिन्हित करके उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। हेडक्वार्टर टीम में एक MPHW, ANM और डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल है। भारत TV डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।